देश और प्रदेश में मौजूदा हालात किसी भी दशा में विपक्ष के गले नहीं उतर रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर आम जनमानस भी निराश है। प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने जिस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है, आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और निजीकरण जैसे मसलों को लेकर भाजपा सरकारों को घेरने का काम किया। सपा जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज चारों तरफ निराशा का माहौल है। व्यापारी, नौजवान, गरीब, किसान, मजदूर, हर कोई परेशान है, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं है। किसान विरोधी, दलित विरोधी सरकार जो आज इस सरकार के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, किसी के पास रोजगार नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं, ऐसी निकम्मी और गुंडा और नेताओं की गठजोड़ से सरकार चलने वाली सरकार से आज इस्तीफा मांगने आए हैं और ज्ञापन देने आए हैं कि ऐसी सरकार को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। लेकिन हम सुबह से जब बैठे हुए डीएम साहब हमारा ज्ञापन लेने नहीं आ रहे हैं, अधिकारी सरकार के नशे में मस्त हैं, वो भी हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज विरोध विपक्ष को दबाया जा रहा है, हमको मुकदमे लिखने की धमकी दी जा रही है, हमें जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। हम योगी जी से कहते हैं कि तुम्हारी पुलिस में और तुम में जितना दम है, हमें जेल भेजिए, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ऐसी सरकार को नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन, धरना और प्रदर्शन है, ये प्रदेश में बढ़ती हुई शिक्षा, किसान बेहाल है, बेरोजगारी है, शिक्षा का निजीकरण है, महंगी शिक्षा, आरक्षण पर बार और बीएड में एससी छात्रों को निःशुल्क प्रवेश पर रोक है, इसलिए समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन है। उत्तर प्रदेश में ताना सरकार चल रही है, योगी और मोदी प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं, रेल का निजीकरण कर दिया, शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया, इससे छात्र और नौजवान बेरोजगार है और बेरोजगार के विरोध में आज हम धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा ये मांग है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। इस प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पर पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा, लेकिन सपाइयों के तेवरों के आगे वह भी मूक दर्शक बना रहा।